हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले आलू और चीकू की कचौरी। ये कचौरी खाने में बहुत टेस्टी होता है और साथ में हम टमाटर की चटनी भी बनाएंगे। एक कटोरी मैदा को अच्छे से छान लेगा। दो चुटकी नमक डालकर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा की तरह गूंद लेंगे। अभी चम्मच तेल डालकर अच्छे से फिर से गूंद लेगा। दस मिनट के लिए आटे को ढक के रख लेगा। अब पांच आलू में पानी डालकर चार सीटी आने तक आलू को उबालेगा। चार सीटी के बाद आलू अच्छे से उबल चुका है। इन्हें ठंडे पानी में डालकर छिलका निकाल देगा। तब आलू का छिलका निकलने के बाद आलू को अच्छे से मैश कर लेगा। अब चीकू को पानी में अच्छे से धोकर बारीक काट लेगा। अब अंदर का मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर, तेल गर्म होने के बाद कटा हुआ चीकू डालकर एक मिनट फ्राई कर लेगा। अब आलू डालकर अच्छे से मिला लेगा।
आधा छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला लेगा और गैस बंद कर लेगा। इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। अब चटनी बनाने के लिए 4 टमाटर को अच्छे से धो लेगा। टमाटर का साइड काट कर टमाटर को पीसेस में काट लेगा। टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर थोड़े से कड़ी पत्ता, 5-6 अदरक का टुकड़े, 5 हरी मिर्च, 10 लहसुन का कलिया, आधा छोटी चम्मच नमक डालकर दरदरा पीस लेगा। हमारा चटनी बनके तैयार है। अब आटा का हिस्सा लेकर सूखा आटा लगाकर पूरी का साइज में बेल लेगा। हमें जाड़ा ही बेलना है। अगर मसाला तेल में बाहर आ जाएगा तो तेल हमारा खराब हो जाएगा। अब मसाला बीच में लगाकर साइड से पैक करके इस तरह हल्का हाथों से दबा लेगा। सब इसी तरह बना के रख के गरम तेल में डालकर लो फ्लेम पे फ्राई कर लेगा। पलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करके तेल में से निकाल देगा। सब इसी तरह से फ्राई कर लेगा। हमारा आलू और शेपू की कचौरी बनके तैयार है। एक बार इसी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।